हेलो बच्चों लेट रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हाई डू डॉक्टर सजेस्टेड सम मैरिड कपल्स टू गो टू आईवीएफ एक्सप्लेन द स्टेप्स व्हिच इज कैरीड आउट इन द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कांसेप्ट सो जो की कांसेप्ट होगा हमारा दैट वुड बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक है तो इसको हम बोलते हैं आईवीएफ सो इन विट्रो फर्टिलइसन को बोला था डॉक्टर कि भाई इसको कराओ फॉर वेरियस रीज़न प्राइमरली जब वो एक डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं इन कंज्यूमिंग नेचुरली तो आई वी एफ जो है इट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं आर्ट ये इन्वॉल्व करता है फर्टिलाइजिंग एंड एग एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द बॉडी ठीक है आउटसाइड द बॉडी एक लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर एंड देन उसको क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं जो एम्ब्रियो बना उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू दी यूट्रस ठीक है इनटू दी यूट्रस अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं भाई डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं बेसिकली कि भाई आप ये सब प्रोसेस कराओ सबसे पहले तो क्या होती है हमारी इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज फीमेल में भी हो सकते हैं है ना मतलब कि ब्लॉक्ड फिलपिन ट्यूब है ओवल्यूशन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं ठीक है एंडोमेट्रोसिस हो रही है या फिर मेल में भी हो सकता है लो स्पर्म का आउट है पुअर स्पर्म मोटिलिटी है फिर अबनॉमल स्पर्म है तो ये सारे केसेस हो सकते हैं इसमें और दूसरा हम देख सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड फर्टिल इनफर्टिलिटी ठीक है अनएक्सप्लेन इन फर्टिलिटी समटाइम्स क्या होता है कि आ, हमें बहुत सारे टेस्टिंग्स पर चल जाते हैं बट उसके बाद भी हमें कोई कॉज नहीं मिलता तो उस केसेस में भी हम क्या करते हैं आई करवाते हैं देन वी हैव जेनेटिक डिसऑर्डर्स भाई कपल्स जो होते हैं ना जो आपके रिस्क होते हैं ऑफ पासिंग ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर अपने बच्चों को भी ताकि वो इन फ्यूचर उनके पास क्या जाए? मिल जाए आईवीएफ मिल जाए है ना तो उस केसेस में भी क्या करते हैं ये सब करवाते हैं क्योंकि ये रीजंस हो सकते हैं आपके अब आता है आपका फेलियर ऑफ अदर ट्रीटमेंट जब सारे ट्रीटमेंट आपके फेल हो जाते हैं जैसे कि फोर्टिडी ड्रग्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये सब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि भैया आप आई करवा लो ठीक है अब हम आपके आते हैं फेलियर ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स ये हो गया आपका अब आता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सो so, उन केसेस में जहाँ पे एक पार्टनर एक मेडिकल कंडीशन होता है जैसे कैंसर वगैरह हो गया अगर तो वो क्या करते हैं दैट कुड ऑल्सो इम्पेयर द फर्टिलिटी एग्स एग्स में या फिर स्पर्म में वो आपके हार्वेस्ट एंड फ्रोजन कर देते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ इन आई है ना अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप्स की जो हम प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग द आई तो सबसे पहला आता है आपकी ओवरियन स्टिमुलेन अब एक औरत होती है ना उसको क्या दिया जाता है हार्मोनल मेडिकेशन दिया जाता है कि वो स्टिमुलेट कर सके ओवरी को एंड प्रोड्यूस कर सके मल्टीपल एग्स ठीक है अब दूसरा आता है हमारा एक रिट्रीवल या फिर ऊसाइड रिट्रीवल ठीक है अब इसमें क्या होता है जो आपके फॉलिकल्स होते हैं ना जो आपके फॉलिकल्स हैं वो एक एडिकुएट साइज में आ गए तो एक ट्रिगर इंजेक्शन लिया जाता है वो इंड्यूस किया जाता है ताकि फाइनल मैचूरेशन हो जाए एग्स की ठीक है अब थर्टी सिक्स आवर्स के बाद क्या होता है आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स तो जो ट्रिगर इंजेक्शन होता है एग रिट्रीबल वहाँ परफॉर्म किया जाता है एक माइनस ही सर्जरी की जाती है और अंडर सेडेशन वहाँ पे एक थिन नीडल इंसर्ट की जाती है थ्रू बजाइना वॉल एंड इनटू द ओवरी उसके बाद फिर उसको अल्ट्रासाउंड से गाइड किया जाता है एंड हम एस्पिरेट करते हैं मैच्योर एग्स को फ्रॉम द फॉलिकल देन नेक्स्ट वी हैव इज स्पर्म कलेक्शन एंड प्रिप्रेशन तो स्पर्म कलेक्शन आपका स्पर्म का सैम्पल कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड स्पर्म को वॉश किया जाता है एंड प्रिपेयर किया जाता है द लैब ताकि उसको हेल्थियस्ट बना सके एंड मोस्ट मोटाइल बना सके फॉर द फर्टिलाइजेशन देन नेक्स्ट वी हैव इज फर्टिलाइजेशन जो रिट्रीव एग्ज होते हैं उनको प्लेस किया जाता है इन अ कल्चर डिश एंड देन मिक्स किया जाता है विद अ प्रिपेयर स्पर्म ताकि हम अलाउ कर सकें एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी एक इशू होती है तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दिया जाता है ठीक है जिससे क्या होता है आपका सिंगल स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट कराया जाता है इनटू एग ताकि फैसिलिटेट कर सके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को राइट right. अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एम्ब्रियो कल्चर एंड सिलेक्शन तो एम्ब्रियोज आपके कल्चर किया जाता है एक स्पेशल इंक्यूबेटर में जो मिमिक करता है सेम आपका ह्यूमन बॉडी की तरह ह्यूमन बॉडी की तरह अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं वो एसेस करते हैं एम्ब्रियो को ताकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सके एंड बेस्ट सेलेक्ट करते हैं फॉर द ट्रांसफ़र अब हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सेलेक्टेड एम्ब्रियज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है आपकी वुमेन की यूटर्स में यूजिंग अ थिन कैथर ठीक है एंड लास्टली uh, हम बात करते हैं सेवेंथ विच इज दी ल्यूटल फेज सपोर्ट जैसे ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया वुमेन को एक मेडिकेशन दी जाती है यूजुअली प्रोजेस्ट्रॉन ताकि वो सपोर्ट कर सके यूटीन लाइनिंग को एंड हेल्प कर सके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए देन वी हैव प्रेगनेंसी टेस्ट सो दस से पंद्रह दिनों के बाद क्या uh, किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है ठीक है एंड वहाँ पे आपका क्या होता है वहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है ताकि मेजर कर सके लेवल ऑफ एच सी जी विच इज़ द्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रॉपिन ताकि हम डिटरमाइन कर सके प्लांटेशन हुआ या नहीं हुआ है उसके बाद नेक्स्ट भी आप इज फॉलो अप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पॉजिटिव आ गए तो फर्दर अल्ट्रासाउंड टेस्ट शेड्यूल किए जाते हैं टू मॉनिटर द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस तो so स्टूडेंट्स ये आपके सारे के सारे स्टेप्स थे तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू